ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो भाई फाइनली स्टोरी का एंड हो चुका है। डीन एम्ब्रोस भाई फिर से चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने डैनियल ब्रायन को हरा दिया रेसल ड्रीम पीपीपी के अंदर और फिर से एक बार एडब्ल्यू चैंपियन बन चुके हैं। ये पहली बार है कि एडब्ल्यू कंपनी के इतिहास में कोई ऐसा रेसलर है जो कि तीन बार एडब्ल्यू चैंपियन बना है। सच में भाई मैं इस मैच को कवर करना चाहता था पर भाई मेरा दांत में इतना दर्द था कि भाई अभी जस्ट मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। भाई ये मैच बहुत बेहतरीन था भाई, मैंने इस मैच को नहीं कवर किया पर भाई इस मैच से भाई एक नया चैंपियन निकलकर सामने है जिसका नाम है डीन एम्ब्रोस। साथ ही साथ भाई रेसल ड्रीम पीपीपी के अंदर एक और चीज है जो कि वो भाई एडम कोल का फाइनल रिटर्न भाई करीब एक साल हो गया। एडम कोल जो कि काफी टाइम से हमें टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था अपना इंजरी की वजह से फाइनली भाई वो वापस आ चुके हैं। और भाई डैनियल ब्रायन के लिए भाई सैड चीज है कि भाई डैनियल ब्रायन का ऑफिशियल भाई रेसलिंग करियर अब करंट टाइम में खत्म हो चुका है। डैनियल ब्रायन अब आपको रेसलिंग के अंदर कभी देखने को नहीं मिलने वाला, अगर देखने को मिलेंगे तो सिर्फ एक दो मैच के अंदर। रेसल ड्रीम पीपीपी के अंदर भाई एक एरा का अंत हो चुका है। डैनियल ब्रायन अब दोबारा रेसलिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से आने नहीं वाले। अगर हम लोग थोड़ा सा डैनियल ब्रायन के रेसलिंग करियर के बारे में बात करें तो भाई उनका रेसलिंग करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई कमाल का था। डैनियल ब्रायन ने क्या ही कमाल किया था आज के 10 साल पहले। एक टाइम पर इनको डॉक्टर ने बोल दिया था आप दोबारा रेसलिंग के अंदर कभी वापस नहीं आ सकते। फिर से डैनियल ब्रायन ने अपना वापसी किया, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कई बार चैंपियन बने, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाकर वो कई बार चैंपियन बने। आज ऑफिशियली इस एरा का अंत हो चुका। आप लोग सारे लोग थैंक यू डैनियल ब्रायन भाई, आप लोग जरूर से लिखना मत भूलिए। भाई मैंने इस पूरे मैच को देखा नहीं था पर शायद से मैच खत्म होने के बाद भाई कोई और थर्ड पार्टी ने आकर अटैक भी किया था डैनियल ब्रायन के ऊपर। वैसे रेसल ड्रीम पीपीपी का भाई आप लोग ये लास्ट फोटो देख सकते हैं, कितने सारे डॉक्टर हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर डैनियल ब्रायन के आसपास यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये काफी कमाल का चीज था भाई, डैनियल ब्रायन फाइनली भाई ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग वर्ल्ड से। साथ ही साथ भाई हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी देखने को मिले रेसल ड्रीम पीपीपी के अंदर। इसके अलावा भाई बॉबी लेस्ली के रिटर्न के बारे में भाई बहुत सारा बात हो रहा था पर भाई बॉबी लेस्ली का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। मे बी भाई किसी और पीपीपी के अंदर हमें फाइनली बॉबी लेस्ली का रिटर्न भी देखने को मिल जाए। वैसे क्रिस जेरिको के बारे में भाई ट्राइबल रेसलिंग ने यह बोला कि अगर क्रिस जेरिको कुछ टाइम पहले अपना रेसलिंग करियर खत्म कर लेते तब आपको मतलब क्रिस जेरिको का ये रूप आपको देखने को मिलता है। क्रिस जेरिको बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकलने के बाद ऑफिशियली शायद से वो रिटायर ही हो चुके थे पर उसके बाद वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ज्वाइन कर रहा। देखो करीब 6 सालों से भाई इन्होंने मतलब कितने सारे कमाल का इन्होंने मैच रेसल किया, अभी करंट टाइम 53 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में। तो भाई रॉक के बारे में बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर सामने आया। रॉक ने भाई इस बात को खुद से कंफर्म कर दिया और रेसलमेनिया 41 के अंदर आने वाले। बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि भाई तू फेक न्यूज देता पर भाई एक्चुअली कल सारे न्यूज चैनल वाले इसी बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली कल डेव मेल्जर ने बोला था कि रॉक का नहीं प्लान है 41 के अंदर अपीयर होने का, रॉक नहीं आने वाले। और ये जो न्यूज था भाई मतलब कोई छोटा मोटा न्यूज नहीं था, कोई छोटा मोटा चैनल की तरफ से भाई हमें देखने को नहीं मिला था। डेव मेल्जर ने भाई अपने तरफ से इस बात को कंफर्म किया था कि रॉक नहीं आने वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर। ये कितना बड़ा न्यूज था आप इस बात से समझो कि रॉक को भाई ऑफिशियली स्टेटमेंट देना पड़ा अपना इंस्टाग्राम को। रॉक ने भाई इंस्टाग्राम को इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो फाइनली भाई रिटर्न होने वाले हो मतलब 41 के अंदर मैच रेसल करने वाले। काफी खुशी की बात है भाई, फिर से आपको शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच ही रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला। हाँ भाई कोडी रोड्स और केविन ओंस के बारे में भाई आज भी सेम वही रिपोर्ट है कि भाई शायद से कोडी रोड्स का आपको हिल्टन देखने को मिल सकता है, क्योंकि केविन ओंस कभी गलत थे ही नहीं। केविन ओंस ने जो भी कोडी रोड्स के ऊपर हिल्टन के वो बिल्कुल परफेक्ट किया। इनफैक्ट रैंडी ऑर्टन के बारे में ये बताया जा रहा है रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स के साथ नहीं तो केविन ओंस के साथ, उनको कभी प्रॉब्लम था ही नहीं कि मतलब केविन ओंस ने क्यों कोडी रोड्स के ऊपर हिल्टन कर लिया। बाद में जाकर जब रिंग के अंदर केविन ओंस अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, रैंडी ऑर्टन फिर घुसा मार देते हैं केविन ओंस के ऊपर, फिर वापस से केविन ओंस बैक से जाकर अटैक कर देते हैं जब रैंडी ऑर्टन के ऊपर, तब इन सारे लोगों में प्रॉब्लम हुआ। स्टार्टिंग में केविन ओंस का हिल्टन करने से भाई रैंडी ऑर्टन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो बैक से जाकर बोल रहे थे मैं जाकर केविन ओंस को मैं समझा दूंगा। तो मे बी भाई आपको दो हील चेहरा आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। सबसे पहले है कोडी रोड्स, दूसरा है हमारे रॉक। आप समझो दो हील चेहरा के बीच में एक बेफेस रेसलर होगा जिसका नाम है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो, दोनों को हराएगा और फाइनल वो चैंपियन बनकर ट्राइबल चीफ बनकर 41 से बाहर निकले। ये जो भी स्टोरी लाइन चल रहा है भाई बहुत परफेक्ट चल रहा है। रॉक भाई फाइनली आने वाले 41 के अंदर, रॉक ने इस बात को कंफर्म कर दिया। जो भी रॉक के बारे में रूमर था वो कल तक रूमर था भाई, आज करंट में सारा चीज खत्म हो चुका है। ट्राइबल रेसलिंग ने एक बड़ा कमाल का चीज को शेयर किया कि मतलब हर बार ब्लड लाइन पीटता तो सारे लोग रोमन रेंस को ही याद करते हैं। आज के 2 साल पहले जब ड्रू मैकइंटायर सोलो सिकोया सबको पीट रहे थे तो उसमें भी भाई सारे लोग रोमन रेंस का ही इंतजार कर रहे थे कब रोमर जाएगा सबको बचाएगा। और आज भी स्मैकडाउन के ऊपर जब जिमी उसको पीट रहे थे तो जिमी उसको को ही मतलब बचाने के लिए रोमन रेंस ही वापस आ गए। भाई रोमन रेंस के करेक्टर को तो भाई काफी अच्छा दिखाया गया पर भाई अभी करंट में रोमन रेंस खुद ही पीट रहे हैं। फिर रोमन रेंस को बचाने के लिए भाई मेरे ख्याल से जे उसको को आना पड़ेगा, जे उसको ऑलरेडी आ भी चुके हैं। हुआ क्या है कल का स्मैकडाउन जैसे खत्म हुआ उसके बाद भाई हमें जे उसको हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिले। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जे उसको जब आए स्मैकडाउन के ऊपर तो सारे लोग ईट यहाँ पर बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज कंफर्म है भाई, वैसे भाई जे उसको का यहाँ पर मैच भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ हमें देखने को मिला था लाइव इवेंट के अंदर मतलब स्मैकडाउन खत्म होने के बाद। बाकी भाई जे उसको क्राउन ज्वेल से पहले भी रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर क्राउन ज्वेल के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुगी मैन के बारे में। तो भाई बुगी मैन कल के स्मैकडाउन के हमें बैक स्टेज देखने को मिले और भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब बुगी मैन जब ऑडियंस के बीच में आए नहीं तो भाई बुगी मैन वाला पूरा ड्रेस पहनकर वो कहां से आ गए। शायद से भाई ये जो फोटो इन्होंने अपलोड किया शायद से पुराना फोटो है, वैसे भाई रिया रिप्ली और बुगी मैन दोनों
दोनों थे कल के स्मैकडाउन को। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं डोमडोम के बारे में, तो भाई डोमडोम के बारे में करंट टाइम मार्केट में चर्चा चल रहा है कि डोमडोम भाई शायद से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। वो कैसे चैंपियन बनने वाले मेरे ख्याल से सबको बताया भाई, जेउस को डोमडोम हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे। और मैं शायद से भाई ये चीज होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि भाई डोमडोम बड़े कमाल के कैरेक्टर निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2K24 गेम के बारे में, तो भाई 2K24 गेम के ऑफिशियल पोस्टर पर यहां पर ब्रे वाइट को फीचर किया गया। मेरे हिसाब से भाई यहां पर ब्रे वाइट को भाई सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट यहां पर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हॉन्स वॉगल के बारे में, तो भाई आप इनको जरूर से पहचान दोगे, ये बोने रेसलर थे जो कि पहले के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपीयर हुआ करते थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई फाइनली इनके साथ एक लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये किसी और कंपनी की तरफ जा नहीं सकते, उसके बदले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको कुछ पैसा दे। मैं सही बताऊं तो भाई मैं चाहता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई पहले जैसे मतलब छोटे छोटे रेसलर को फिर से वापस लेके आए रेसलिंग रिंग के अंदर। आज के ऑडियंस क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे भाई, इसके ऊपर भाई मुझे भी थोड़ा सा डॉट लगता है, क्योंकि भाई अब रेसलिंग देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, तो भाई ये फोटो आज के एक साल पहले का, किस तरीके से भाई सीएम पंक छुप कर आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज। और यहाँ से भाई सीएम पंक भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी था उसको साइन करके ऑफिसियल रिटर्न किए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो ये फोटो भाई तब का है, सीएम पंक ने शेयर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में, तो भाई अंडरटेकर ने एक बड़ा सही बात बोला है कि आज के टाइम पर जो रेसलर होते हैं खतरनाक मूव को बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पसंद करते हैं। वो सिर्फ ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि ऑडियंस बहुत ज्यादा मतलब एंजॉय कर सके, पर उनसे उन रेसलरों का काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण उन रेसलर का मतलब भाई इंजरी हो जाता है। यहाँ पर आप लोग बेस्ट एग्जांपल ड्रू मैकइंटायर का ले सकते हैं। डब्ल्यू वाले ने ऑफर किया था ब्लेड से अपना सर को फाड़ सकते हैं, पर भाई इन्होंने रियल में मतलब सर को फड़वाया था। वैसे ड्रू मैकइंटायर भाई मोस्ट वैल्यूएबल रेसलर भाई करंट है बन चुके पूरे इस वर्ल्ड के। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में, तो भाई नेटफ्लिक्स वाले ने भाई अपने तरफ से कंफर्म कर दिया भाई रोमर एज आने वाले रॉक आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और ये मंडे नाइट रॉ भाई तब का होने वाला जब भाई मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स ऊपर जाने वाला। वो एपिसोड भाई कितना मतलब कमाल को होगा, आपको रॉक देखने को मिलेंगे, रोमर रेंस देखने को मिलेंगे, गुंथर देखने को मिलेगा, जॉन सिना भी देखने को मिलेगा। तो पीपीवी से भाई कम नहीं होने वाला जब मंडे नाइट रॉ भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला। फर्स्ट वाला एपिसोड सच में काफी कमाल का होगा। वैसे नेक्स्ट मैं आपको बड़ा कमाल का चीज दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो ये बेसिकली गेमिंग कंसोल है 2000 के टाइम का, आज के 24 साल पहले के टाइम। और उस टाइम के सबसे ग्रेट रेसलर कौन हुआ करते थे, कौन सा रेसलर को पोस्टर के ऊपर फीचर किया जाता था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2000 के टाइम पर एक और बड़ा कमाल का चीज होता था कि जो लेस्बियन जो रेसलर होता था उसको भाई लेस्बियन नाम से भाई एंट्रेंस दिया जाता था। तो आज के टाइम पर तो भाई मतलब ये चीज भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी रेसलर के जेंडर के ऊपर आप मजाक नहीं उड़ा सकते, पर भाई उस टाइम का एरा बहुत डिफरेंट एरा था। उस टाइम पर ट्रिपल एच के कहने पर जो ऑडियंस होती थी वो अपना कपड़ा भाई पूरा निकाल कर फेंक देती थी एरिना के बीच, और उस चीज को टेलीविजन के ऊपर दिखाया भी जाता था और लोग इसको मतलब बहुत ज्यादा कूल मानते थे। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं टिफनी के बारे में, तो भाई टिफनी भाई आज भी इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोल रही है कि नाया जैक्स मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मतलब बैक स्टेज जितने भी रोस्टर है उसमें। नाया जैक्स भाई किस तरीके से सलूक करिए टिफनी के ऊपर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। वैसे नाया जैक्स ने भाई एक और काम दिया टिफनी को, वो काम है कि भाई टिफनी आपको देखने को मिलने वाली मंडे नाइट रॉ के ऊपर। टिफनी मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाकर रिया रिप्ली को, लिव मॉर्गन को, रैकेल को बोलने वाली तुम लोग प्लीज स्मैकडाउन के ऊपर नहीं आओ, स्मैकडाउन तुम्हारा ब्रांड नहीं इसलिए मतलब तुम लोग स्मैकडाउन के ऊपर आ नहीं सकते। बेसिकली अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई आपको टिफनी देखने को मिलने वाला रॉ के ऊपर। यहाँ पर बस भाई मतलब वो मतलब मोटी आंटी के इशारे पर करंट है बस नाच रही है, जैसे इनका ब्रीफ केस कैसिंग होगा फिर भाई मतलब ये मोटी आंटी को नचाने वाली है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, तो भाई रोमन रेंज ने कल के स्मैकडाउन के ऊपर भाई एक बहुत अच्छा काम किया जो कि था जिमी उसो को रिस्पेक्ट दिला। पहले के टाइम पर रोमन रेंज क्या बोलते थे, मैं ही ट्रैवल चीफ हूं, मुझे किसी का जरूरत नहीं, मैं ही सबसे महान हूं। पर कल के स्मैकडाउन के ऊपर भाई रोमन रेंज ने इस बात को बोला कि सबसे पहले सारे लोग मेरे भाई को एक्नॉलेज करो, जिमी उसो को एक्नॉलेज करो, इससे ये बात कंफर्म हो जाता फाइनली अब रोमन रेंज भाई सबको एक इक्वल सबको मतलब तौल रहा है। जे उसो का रिटर्न भी भाई आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जे उसो रोमन रेंज को इसलिए छोड़े थे क्योंकि भाई जे उसो को रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा। तो रोमन रेंज भाई अब फाइनली मतलब जे उसो को भी एक्नॉलेज करेंगे, जे उसो को प्यार से बुलाने वाले हैं स्मैकडाउन को। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई रिसेंट है फिर से दो नया ट्रेडमार्क को फाइल कर दिया, सबसे पहले ट्रैवल चीफ के नाम से, दूसरा डर्टी डॉम के नाम से। तो मुझे सच में भरोसा नहीं कि भाई डब्ल्यू वाले भाई 2024 के अंदर जाके इस ट्रेडमार्क को करें जबकि पहले कर देना चाहिए। वैसे सालर्ड फ्लेयर के फोटो को देखते के साथ भाई आज का वीडियो को हम लोग अंत करते, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।